अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बुक वन के यूनिट सिक्स पे बात करेंगे और यूनिट सिक्स का जो नाम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करें सीक्वेंस की, किसकी बात करें, सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो है वो बेसिकली एक अरे है। अरे मींस अरेंजमेंट है। सीक्वेंस क्या है? इट इज एन अरे, इट इज एन अरे। अरे मींस अरेंजमेंट, अरे मींस अरेंजमेंट। सीक्वेंस एक अरे है या अरेंजमेंट है, किसकी? ऑफ नंबर्स, नंबर्स की। सीक्वेंस इज एन अरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लेकिन वो अरेंजमेंट जो है वो कोई आम अरेंजमेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। वो रूल कुछ भी हो सकता है, वो रूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं नंबर्स को अरेंज करूं अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक अरे लिख रहा हूं 3, फिर उसके बाद मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं 6, फिर मैं लिखता हूं 10, फिर मैं लिखता हूं 15, फिर मैं लिखता हूं 21, अप टू सोन। तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। और इस अरेंजमेंट को लिखने में मैंने खास रूल यूज किया। वो क्या रूल यूज किया है कि हर सिलेक्टेड टर्म में, हर सिलेक्टेड टर्म में मैंने एक नंबर ऐड किया है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ऐड किया है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं? इस 3 में एक ऐड करके इसको 4 कर रहा हूं, प्लस 4। रूल समझ रहे हैं ना? पहले 3 ऐड हुआ है, फिर 3 प्लस 1 4 ऐड हुआ, तो ये हमारे पास कितना बन गया? 6 प्लस 4 10। 10 में फिर मैं क्या कर रहा हूं? एक नंबर 4 में ऐड कर रहा हूं, 5 कर देता हूं इसको, 5 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा? 15। अब फिर प्लस 6 21, और अगर मुझे नेक्स्ट नंबर लिखना है तो प्लस क्या करूंगा? 3 4 5 6, और अब क्या किसका नंबर है? 7। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी? 21 प्लस 7 28 अप टू सो ऑन। तो यहां पर जो डेफिनेट रूल यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि मैं एक एक नंबर इंक्रीज करके प्रीवियस टर्म में ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म बना लेता हूं। तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अरे ऑफ नंबर्स है, जिसको मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। तो ये क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। ये क्या होगा? सीक्वेंस। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब ये सीक्वेंस इनफाइनाइट चल रहा है, या मैंने आपको सॉल्व लिखा ना आगे ये डैश डैश डैश, तो ये इनफाइनाइट चल रहा है। तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास दो तरह से हो सकता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं काउंटेबल हैं, फाइनाइट से मुराद क्या है? काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम कहेंगे सीक्वेंस फाइनाइट है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 4 टर्म्स ही लिखी होती या 100 टर्म्स लिखी होती तो काउंटेबल टर्म्स है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो?
अनकाउंटेबल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अभी जो मैंने ये सीक्वेंस आपके सामने लिखा है ये इनफाइनाइट है, क्योंकि चलता चला जा रहा है, हमें नहीं पता कि आगे ये कहां तक जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसकी अनकाउंटेबल टर्म्स है। हां, अगर मैं इस सीक्वेंस की सिर्फ पहली तीन टर्म्स की बात करूं तो ये क्या बन जाए, क्या इतने हिस्से की अगर मैं सिर्फ बात करूं कि जी ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है 3, 6 और 10, तो अब ये सीक्वेंस फाइनाइट हो गया, क्योंकि इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2 और 3, तीन टर्म्स है। समझ के मेरी बात? तो सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, और वो सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसी तरह आपके चैप्टर में ये वर्ड यूज हुआ है सीरीज का। सीरीज क्या चीज है, सुने यहां पर लिख रहा हूं, सीरीज जो है, सीरीज से क्या मुराद है, सीरीज भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन हम उस सीक्वेंस के दरमियान में कॉमा लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीक्वेंस को इस तरह लिख दूं, 3 + 6 + नेक्स्ट क्या है 10, फिर 15 + 10 + 15 + 21 + 28 + 28 up to so on, तो अब ये क्या बन गया, ये सम ऑफ सीक्वेंस हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस था, दरमियान में प्लस लगाया तो क्या कर दिया, ये सम ऑफ सीक्वेंस हो गया। और सम ऑफ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सम ऑफ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सीरीज। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, सम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जस्ट सीरीज भी क्या है, एक सीक्वेंस है, लेकिन दरमियान में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो यानी कि सीरीज में भी फिर एक डेफिनेट रूल होगा, क्योंकि सीरीज किससे बन रही है, सीरीज बन रही है सीक्वेंस से, और सीक्वेंस जो है वो अरेंज हुआ होता है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अगर सीक्वेंस अरेंज हुआ होता है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, तो फिर सीरीज भी तो क्या होगी, सीक्वेंस से बनेगी। अगर सीक्वेंस से बनी है सीरीज, तो इसका मतलब है इसमें भी कोई सम डेफिनेट रूल होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस और सीरीज में। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के हमारे पास जो है वो सीक्वेंसेस होते हैं यहां पर, उनमें से एक सीक्वेंस अभी मैं यहां पर डिस्कस करने लगा हूं, दैट सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, या फिर हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर मैं एक किस सीक्वेंस की बात करने लगा हूं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लें, या फिर सिंपल इसको ए डॉट पी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह देते हैं, बात एक ही है। यानी कि अगर ये सीक्वेंस है तो फिर क्या होगा, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होंगे और इसमें डेफिनेट रूल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं 3, 5, 7, 9, 11 up to so on, ये मैंने एक सीक्वेंस है, ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और इसमें डेफिनेट रूल क्या यूज हो रहा है, +2, फिर 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11। या इन अदर वर्ड्स कह लें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस वो सेम है। 5 - 3 करो क्या मिलेगा आपको, 5 - 3 = 2 मिलेगा। इसी तरह 7 - 5 कर लो तब भी आपको क्या मिलेगा, 2। इसी तरह 9 - 7 कर लो तब भी क्या मिलेगा, 2। 11 - 9 कर लो तब भी क्या मिलेगा, 2। तो ये खास किस्म का सीक्वेंस है जिसका रूल क्या होता है, उसका रूल ये है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। सब टर्म्स में वो डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। यहां पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, समझ आ रही, कोई डिवीजन नहीं होगी कुछ, लेकिन दोनों दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की डिफरेंस की बात कर रहा हूं। डिफरेंस मींस 5 - 3, 7 - 5, 9 - 2, 11 - 9, 9 - 7, 11 - 9, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो कॉमन हो, सेम हो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। याद रख लें कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म
उसको हम नॉर्मली ए वन या फिर सिंपल ए से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से जाहिर करते हैं। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ए एन क्या है? ए एन है सिलेक्टेड टर्म। ए एन से मुराद यहां पर इन जनरल बात ही नहीं, इसलिए ए एन यूज कर दिया। ए एन इज सिलेक्टेड टर्म माइनस ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन से मुराद ये है कि सिलेक्टेड टर्म से एक पीछे वाली, ठीक हो गया, सिलेक्टेड टर्म से एक पीछे वाली जो है वो टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस वन। यूं लिख लें इसको, टर्म प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग टू सिलेक्टेड टर्म, प्रीसीडिंग टू सिलेक्टेड टर्म, सिलेक्टेड टर्म से सादा से अल्फाज में एक पीछे वाली। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो मैको जी, ये एपी है, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर ए वन या सिंपल ए क्या होगा, सिंपल ए होगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कौन सी टर्म, 9, तो ये कितनी टर्म है, 1, 2, 3, ये फोर्थ टर्म है। ए फोर माइनस ये ए एन, ए एन मैंने क्या कहा था सिलेक्टेड टर्म, और अब सिलेक्टेड टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म। अब इसमें से माइनस करेंगे इससे एक पीछे वाली एन माइनस वन, मीन्स 4 माइनस 1 वो क्या होगी, ए 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। और इसकी जो nth टर्म है, इसकी जो nth टर्म है जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको आप जनरल टर्म बोल लें, जनरल टर्म, या फिर हम इसको nth टर्म भी बोलते हैं। ए एन से प्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है ए वन प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला क्या है, ए वन, ए वन मीन्स फर्स्ट टर्म, इसको ए वन लिख लें या ए लिख लें, बात एक ही है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में मैंने आपके साथ nth टर्म का जिक्र किया, मैंने आपके साथ डी कॉमन डिफरेंस की बात की और ए की बात की, इज दैट क्लियर। और मैंने इसके बारे में बताया कि ये कॉमन डिफरेंस जो है इस टर्म में वो सेम होता है। तो जब भी आप एपी की बात कर रहे हो तो दो चीजें आपके जहन में, तीन चीजें होनी चाहिए, दो तो स्पेसिफिकली होनी चाहिए, दो चीजें आपको बहुत जरूरी चाहिए होती है, एक फर्स्ट टर्म जिसको किसे प्रेजेंट करते हैं ए से, और सेकंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें जहन में रखें जब भी एपी की बात, तीसरी जो है वो एन होता है बेसिकली, नंबर ऑफ टर्म्स के, आप कौन सी टर्म की बात करने जा रहे हैं, आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, आप फोर्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक टर्म की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर ये मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं अब आपके साथ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करता हूं ताकि मजीद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो एमसीक्यू मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं, एमसीक्यू क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी। एमसीक्यू क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी। ये एक फाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, देन वो आपसे कह रहा है कि बताए अल्फा ऑप्शन क्या होगी, वो उसने बताई है, देन ए इक्वल होगा सी के, बीटा में वो कह रहा है, देन ए प्लस सी इक्वल होगा 2b के, या फिर वो कह रहा है कि ए प्लस सी 0 के इक्वल होगा, डेल्टा में वो कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी 0 के इक्वल होगा। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो इस एपी के लिए ट्रू होगी, और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी जिक्र आ जाए किसका, एपी का, तो फौरन तीन चीजें जेहन में लेके आएगा, कौन कौन सी, पहली फर्स्ट टर्म क्या है,
दूसरी, क्या आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? हां जी। और तीसरी, अगर एन की जरूरत पड़े तो। यहां पर अगर आप देखें, ये तीनों टर्म्स किसमें हैं? ये तीनों टर्म्स एपी में हैं। अगर ये एपी में है तो कोई सी दो कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कॉमन होगा। आप बी माइनस ए कर लें, आप सी माइनस बी कर लें, बात तो एक ही है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉमन डिफरेंस जो है वो बी माइनस ए कर लें या आप c माइनस बी कर लें, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि उसने खुद से बताया कि ये क्या है, AP। और AP की दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मीन सेम होता है, तो इक्वल होंगे। आप चाहे कॉमन डिफरेंस b माइनस ए करके कैलकुलेट कर लें, चाहे कॉमन डिफरेंस c माइनस बी कैलकुलेट करके कर लें। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करें, बी इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। और सी उधर जाके क्या हो जाएगा? ए उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बी इधर प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? टू बी इक्वल टू ए उधर जाके, तो ये बन जाएगा ए प्लस सी। तो क्या ये वाली कोई कंडीशन आपके पास है? ऑब्वियसली है, बीटा ऑप्शन। तो ये रिजल्ट बड़ी आसानी से आपके सामने आ गया है। तो ये मैंने एक एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया है। एक और एमसीक्यू मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं, और उस एमसीक्यू में, बल्कि आपकी बुक, इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी बुक में भी है। ये जो एमसीक्यू मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू में कह रहा है, इफ इफ ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एन माइनस वन, देन ए एन इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन नहीं मैं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बना देता हूं आपको यहां पर। अगर वो कह रहा है कि ए एन माइनस वन जो है, ए एन माइनस थ्री वो इक्वल हो टू एन माइनस वन के, तो आपने बताना है कि ए एन क्या होगा। तो मुझे सर एक बात तो बताओ, यहां पर मेरे पास लेफ्ट साइड पर क्या है? ए एन माइनस थ्री, समझ रहे? अगर ये माइनस थ्री खत्म हो जाए तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा? माइनस थ्री, अगर मैं ये देखे ना, मैंने मिटा दिया, माइनस थ्री खत्म हो जाए तो किसका आंसर आ जाएगा? ए एन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइनस थ्री को खत्म कैसे करें? मिटाना नहीं है, मिटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, माइनस थ्री है ना, ये खत्म कैसे होगा? खत्म मींस कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल होगा जब इसके साथ प्लस थ्री एड होगा। क्या होगा? प्लस थ्री एड होगा। तो यहां पर सिंपल आप पुट कर लें, एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री। ये प्लस थ्री इस माइनस थ्री को कैंसिल करेगा। तो इधर देखें, ए एन की जगह क्या लगना है? एन की जगह हम इधर लगाने लगे हैं एन प्लस थ्री, और आगे क्या है? माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, एन की जगह क्या लग रहा है? एन प्लस थ्री माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ए एन दैट इज इक्वल टू टू वन सा टू एन सा टू एन हो जाएगा, टू थ्री सा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए एन आ गया। तो वो यहां पर ए एन माइनस थ्री दे सकता है, ए एन प्लस फाइव दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो यहां पर कौन सी वैल्यू दे रहा है और आपने उसको क्या पुट करके कैंसल आउट करना है। तो हो सके ये भी एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पर उसने एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो पूछ रहा है आपसे। वो कह रहे थे द nth टर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ the sequence, the nth term of the sequence, sequence क्या है जी? 2, 3, 7, 16 up to so on is, alpha option है a n minus 1, beta option है a n minus 1 plus n minus 1 whole square, Charlie option है ए एन प्लस एन माइनस वन होल स्क्वेयर, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास ए एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि आया सीक्वेंस अरिथमेटिक तो नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है? हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, थ्री माइनस टू वन, सेवन माइनस थ्री फोर, वन और फोर तो इक्वल ही होते, डिफरेंस कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये एपी नहीं है। ये जो लिखा है ना उसने सीक्वेंस, टू थ्री सेवन सिक्सटीन
ऑब्टुसोन, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है, ये एक जनरल सीक्वेंस उसने दिया होगा। अच्छा मुझे सर एक बात बताएं, टू में क्या प्लस करूं, ये थ्री बन जाए, कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं ना जनरल जनरल सीक्वेंस में, ले जी वन प्लस करते हैं, इधर देखिए जरा प्लस कर रहे हैं वन, टू में प्लस कर रहे हैं वन, तो हमारे पास क्या बन रहा है थ्री। अब थ्री में क्या प्लस करें कि सेवन आ जाए, फोर, थ्री में क्या प्लस करें, फोर प्लस करें तो सेवन आ जाता है। अच्छा जी ये हो गया, सेवन में क्या प्लस करें कि सिक्सटीन आ जाए, सेवन में नाइन प्लस करें तो सिक्सटीन आ जाता है, समझ रहे हैं। प्रीवियस टर्म में वन प्लस किया नेक्स्ट टर्म आ गई, प्रीवियस टर्म में फोर प्लस किया नेक्स्ट टर्म आ गई, प्रीवियस टर्म में नाइन प्लस किया नेक्स्ट टर्म आ गई। अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, ये टू है प्लस ये क्या है वन होता है वन का स्क्वायर, ये थ्री है प्लस फोर क्या होता है टू का स्क्वायर प्लस सेवन प्लस ये क्या आएगा थ्री का स्क्वायर, यानी कि इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी ये बेसिकली जो 16 बना है 16 से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी 16 प्लस 4 का स्क्वायर, समझ रहे मेरी बात को। हर सिलेक्टेड टर्म में, हर प्रीवियस टर्म में, फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर जरा देखिएगा गौर से, मैं सीक्वेंस को जनरलाइज करने लगा, ये क्या है नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे बन रही है जरा देखिएगा, सेकेंड टर्म कैसे बन रही है, जब हम फर्स्ट टर्म में प्लस कर रहे हैं टू का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देखो टू से मुराद क्या है ये टू का स्क्वायर। अच्छा अगर आप थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की बात करें तो इसका मतलब है कि थर्ड टर्म कैसे बनेगी, जब आप सेकेंड टर्म में एड कर देंगे थ्री का स्क्वायर, समझ रहे। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, देखिएगा मैं फॉर एग्जांपल इस फोर्थ टर्म की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म कैसे बन रही है, कौन सी टर्म की बात कर रहा हूं, फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं, फोर्थ टर्म ऐसे बन रही है कि मैं थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में जो कि क्या है सेवन है, थर्ड टर्म में प्लस कर दूं किसको, प्लस कर दूं किसको, जितनी टर्म है उसका स्क्वायर, फोर का सॉरी थर्ड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है यहां पर ये कैसे बना था नाइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर मींस थ्री का स्क्वायर, जितनी टर्म लिखनी है उससे एक कम में प्लस कर देंगे, उससे एक कम टर्म। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, इधर देखें किस टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं, तो थर्ड टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में प्लस करना पड़ेगा टू का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो सेकंड टर्म बनाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म में प्लस करना पड़ेगा वन का स्क्वायर, और अगर मैं कौन सी nth टर्म की बात करनी है मैंने तो क्या करना पड़ेगा, an माइनस वन टर्म में ऐड करना पड़ेगा n माइनस वन का स्क्वायर, समझे मेरी बात को, जरा गौर करें ना यार, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है थ्री, सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है ना, तो सेकेंड टर्म से पीछे वाली कौन सी टर्म होगी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वन का स्क्वायर, मुझे थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, सुने थर्ड टर्म से एक पीछे वाली, थर्ड टर्म से एक पीछे वाली वो क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में ऐड करेंगे टू का स्क्वायर, सेकंड से टू का स्क्वायर, मुझे फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो फोर्थ टर्म से एक पीछे क्या होगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में ऐड करेंगे थर्ड टर्म का स्क्वायर मींस थ्री का स्क्वायर, मुझे nth टर्म कैलकुलेट करनी, कौन सी करनी है nth टर्म कैलकुलेट करनी है, तो nth टर्म से एक पीछे वाली कौन सी होगी एन माइनस वन, जो पीछे वाली होगी एन माइनस वन टर्म उसी में ऐड करेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर, तो हमारे पास nth टर्म क्या आ रही है सीक्वेंस की, nth टर्म आ रही है
ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट है बीटा, बीटा ऑप्शन जो है वो आपकी एग्जैक्ट ऑप्शन। तो समटाइम्स अगर सीक्वेंस जनरल आ जाए तो हमें जो है उस जनरल सीक्वेंस को समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब हम एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है देखिएगा, द nth टर्म ऑफ नहीं द रेशियो, इफ द रेशियो बिटवीन, इफ द रेशियो बिटवीन नाइन्थ एंड थर्ड टर्म, इफ द रेशियो बिटवीन नाइन्थ एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज थ्री रेशियो फोर, थ्री रेशियो फोर, तो देन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, देन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, अल्फा ऑप्शन है 13 बाय 3, बीटा ऑप्शन है माइनस 13 बाय 3, चार्ली ऑप्शन है 1 बाय 6 और डेल्टा ऑप्शन है माइनस 1 बाय 6। तो फर्स्ट टर्म आपने बतानी, यानी कि ए बताना है कि बेसिकली क्या होगा। तो सुने, अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूं तो उसने क्या कहा है, नाइन्थ टर्म और थर्ड टर्म में जो रेशियो है वो क्या है, 3 बाय 4, यानी कि ए नाइन ओवर, रेशियो का मतलब है डिवाइड, किसमें, ए थ्री में वो कितनी है, 3 बाय 4, समझ रहे, यही कहा है ना उसने, नाइन्थ टर्म और थर्ड टर्म में जो रेशियो है वो क्या है, 3 रेशियो 4। अच्छा मुझे बताएं एंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एपी है ना, यहां पर उसने कहा है कि ये क्या है, एक एपी है, अगर एपी है तो इसकी एंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़ के आए हो। अगर मुझे नाइन्थ टर्म की बात करनी है, ए नाइन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, नाइन, तो एन की जगह क्या लग गया, नाइन, तो ये बनेगा ए प्लस नाइन माइनस वन डी, डी नहीं है मेरे पास, तो ये हो जाएगा ए नाइन इज इक्वल टू ए प्लस एट डी, ए नाइन किसके इक्वल होगा, ए प्लस एट डी, तो ए नाइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस एट डी, ये मैं ट्रेडिशनल वे से इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको वैसे नॉर्मल सॉल्व करना पड़े तो इस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाय ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी, उसी फॉर्मूले से बनेगा, देखो ए नाइन क्या था, ए प्लस एट डी, तो फिर ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी, ए कम हो जाता है डी के साथ, समझ गए, इक्वल टू थ्री बाय फोर, तो ये मेरे पास एक रेशो बन गई, यानी के ए प्लस एट डी जो है, ए प्लस एट डी को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, कॉरेस्पोंडेंस लेना थ्री के इक्वल, और ए प्लस टू डी को किसके इक्वल लिख सकता हूं, फोर के इक्वल, सब्ट्रैक्टिंग करें जरा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो जाएगा, एट माइनस टू डी ये हो जाएगा सिक्स डी, इक्वल टू थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो डी किसके इक्वल आ गया, माइनस वन बाय सिक्स के, डी किसके इक्वल आ गया, माइनस वन बाय सिक्स के। अब हमें पता है, चाहे इसको यूज कर लें चाहे इसको यूज कर लें, ए प्लस एट डी किसके इक्वल है, ए प्लस एट डी थ्री के इक्वल है, तो ए मुझे कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म, प्लस एट डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय सिक्स इक्वल टू थ्री, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा माइनस एट बाय सिक्स, ए माइनस एट बाय सिक्स इक्वल टू थ्री, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, और ये माइनस हो रहा है फोर बाय थ्री, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो ए इक्वल टू थ्री प्लस फोर बाय थ्री, तो ए इक्वल टू थ्री, थ्री जा नाइन प्लस फोर थर्टीन बाय थ्री, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म क्या आ गई, थर्टीन बाय थ्री, तो कौन सा रिजल्ट बनेगा, अल्फा ऑप्शन बनेगा, कौन सा रिजल्ट बनेगा, अल्फा ऑप्शन बनेगी, थर्टीन बाय थ्री। ये तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ट्रेडिशनल मैथड से, अब मैं क्वेश्चन आपके साथ शॉर्टकट से सॉल्व करता हूं, क्या करता हूं शॉर्टकट, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म निकालनी तो आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी के लिए शॉर्टकट सुन लें,
डी के लिए शॉर्टकट क्या होगा, अगर आपने डी कैलकुलेट करना हो, दैट इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन. ए एम से मुराद बड़ी वाली टर्म, कौन सी है, नाइन्थ, और ए एन से मुराद छोटी टर्म. ठीक हो गया, यहां पर इस तरह ले रहा हूं एम माइनस एन. ये डी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें. अभी तो डी हमने क्या किया था, दो इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व की, डी आ गया, फिर डी को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया. तो अब इधर देखिएगा जरा, डी ए एम क्या है, नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म किसके इक्वल है, थ्री के. माइनस ए एन क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म किसके इक्वल है, फोर के, थ्री माइनस फोर. एम माइनस एन से क्या मुराद है, एम माइनस एन से मुराद है एम मीन्स ए एम है ना, नाइन्थ टर्म, नाइन माइनस एन कौन सी टर्म थी, थर्ड टर्म थी थ्री, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्री माइनस फोर माइनस वन ओवर नाइन माइनस थ्री सिक्स. तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय सिक्स. तो देखो यहां पे भी आपने डी माइनस वन बाय सिक्स नहीं कैलकुलेट किया था. तो ये शॉर्टकट है किसके लिए, डी कैलकुलेट करने के लिए. अब एक और कुछ स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करनी हो ए एन, तो उसके लिए शॉर्टकट ये है ए एम माइनस एम माइनस एन डी, एम माइनस एन डी. अब मुझे कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, मुझे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है. क्या कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट टर्म. तो एन की जगह क्या लगा दूंगा, वन. फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है ना, तो एन की जगह क्या लग गया, वन इक्वल टू ए एम. ए एम हमने किसको सपोज किया हुआ था, नाइन्थ टर्म को, जो बड़े वाली टर्म होती है. तो ए एम हमारे पास क्या है, थ्री माइनस एम, नाइन्थ टर्म है तो नाइन माइनस एन की वैल्यू क्या रखी है आपने, वन. और डी क्या कैलकुलेट किया, माइनस वन बाय सिक्स. इसको सिंप्लीफाई कर ले आप, ए वन इक्वल टू थ्री, नाइन माइनस वन कितना होता है एट, माइनस माइनस बटी प्लस एट बाय सिक्स, टू फोर जाइड टू थ्री जार सिक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास थर्टीन बाय थ्री. तो फर्स्ट टर्म थर्टीन बाय थ्री. तो देखे ये चल देख सही, ये भी जुबानी हो जाएगा, ये थोड़ा सा शायद आपको लिख के करना पड़े, तो विद इन सेकेंड जो है वो आप फर्स्ट टर्म बता सकते हैं. तो ये मैंने आपके सामने एक एमसीक्यू डिस्कस किया. अब एक और एमसीक्यू डिस्कस करता हूं, वहां पर डायरेक्ट मैं यही शॉर्टकट यूज करूंगा ताकि मजीद प्रैक्टिस हो जाए. तो एक और एमसीक्यू करते हैं. दो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हैं, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं. डी कैलकुलेट करना हो, डी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला है ए एम माइनस ए एन ओवर एम माइनस एन, डायरेक्ट डी कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह कुछ स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करनी हो तो वो फॉर्मूला होता है ए एम माइनस एन डी, माइनस है ना. तो अब मैं थर्ड नेक्स्ट एमसीक्यू लिख रहा हूं. इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, थर्ड टर्म क्या है एपी की 12, ठीक हो गया जी. एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज, एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 18, फिफ्थ टर्म क्या है 18 है. और आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करें देन 19th टर्म, आपने 19th टर्म बतानी है वो क्या होगी. तो सबसे पहले तो हम डी कैलकुलेट कर लेते. डी का फॉर्मूला है ए एम माइनस ए एन ओवर एम माइनस एन. तो ए एम हमारे पास क्या है, फिफ्थ टर्म, ये है ए एम. ए एम इक्वल टू ए फाइव, बड़े वाली लेनी है. फिफ्थ टर्म कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है. ये फिफ्थ टर्म कंसीडर किया बड़ी, वो क्या हो गई 18 माइनस, ये बेसिकली एम क्या है 5, फिफ्थ टर्म है ना, एम की वैल्यू क्या बनेगी इधर से 5 माइनस ए एन जो छोटे वाली टर्म है, इसको हम ए एन कंसीडर करें विच इज इक्वल टू ए 3, वो कितनी है 12, और ये बेसिकली एन की वैल्यू क्या आ गई 3. तो यहां पर 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो D हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया. D की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई. अब मुझे कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी, 19th टर्म बतानी है. कौन सी टर्म बतानी है, 19th टर्म. तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ए एन इक्वल टू ए एम माइनस एम माइनस एन डी,
तो मुझे बताएं ए एन एन की वैल्यू अब क्या रख रही है 19, क्योंकि हम 19th टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और इक्वल टू ए एम हमारे पास क्या है फिफ्थ टर्म क्या है 18, माइनस एम कितना है फिफ्थ टर्म, माइनस एन कितना है 19, डी की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके आए हो 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ये माइनस करो माइनस 14, ये प्लस हो जाएगा 14 थ्री जा 48 42, तो ये आ जाएगा 60, तो 19th टर्म बेसिकली हमारे पास क्या बनेगी 60। तो होप्स हो गई आपको शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अरिथमेटिक सीरीज पे बात करूंगा आपके साथ।